अस्सलाम वालेकुम फिटनेस फैक्ट के तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। GIN दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आप अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ। आज आपको मैं एक ऐसा लेप बताऊँगा कि सिर्फ आपने उसको लगा के 10 मिनट छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद आपने उसमें सख्ती और तंदी चेक करनी है कि आपके अज़ूए ख़ास में कितनी सख्ती आ गई है और वो किस कदर सख्ती से हुआ है। छोटा है तो लंबा होगा, मोटा है तो वो अपने नॉर्मल साइज में आएगा और इस कदर आपको सख्ती और तंदी पहुंचेगी इस लेप से कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो बहुत ही कमाल का नुस्खा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक ऐसी जड़ लेनी है, जड़ लेकर आपने उसका लेप लगा लेना है। अभी आपने लेप लगाया ही होगा कि अजू एकदम शलवार से बाहर आएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, इसको लगा के 10 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट आपने छोड़ देना है। यकीन जान लें कि इस कदर सख्ती बख्शेगा कि इससे पहले कभी भी इतनी सख्ती ना आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें। वॉच करने से पहले फिटनेस फिट की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम आप तक आसानी पहुंच सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो आइए नुस्खे का आगाज करता हूं, बहुत ही कम टाइम में नुस्खा आपके हवाले करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने लेनी है गूंची की जड़ लेनी है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। पीस के आपने बिल्कुल थोड़े से पानी में आपने इसको मिलाना है, इस कदर मिलाना है कि उसका लेप बन सके। वो लेप आपने अपने जिक्र पर लगा लेना है और सिरे पर नहीं लगाना, लगाकर आपने ऊपर पान का पत्ता या आपने कोई कपड़ा ऐसा बांध लेना है, ये शापर, जिससे आपके कपड़े गंदे ना हो। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने इसको लगा लेना है और उसके बाद आपने इसके सख्ती चेक करनी है कि किस कदर सख्ती है, कि कुव्वत बहा को बहुत ही तरक्की देगा, टाइमिंग में पेपना इजाफा करेगा, क्योंकि एक ऐसा नुस्खा है जिसके लगाते ही जुकर में बहुत ही ज्यादा सख्ती और तंदी आ जाती है। आज मैंने खास तौर पर ढीले नफ्स है जिनके उनके लिए ये नुस्खा पेश किया है। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इससे मुस्तफीद हो सके। मुझे दीजिए अब इजाजत, मैं मिलता हूँ गालिसवी ने और बेहतरीन नुस्खे के साथ। दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।